आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड के प्रथम वर्ष के पेपर F6 जिसका नाम है शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य के बारे में इसमें पढ़ना है। इसके जो है बिहार डीएलएड एग्ज़ाम 2022 के देखते हुए इसका गेस्ट पेपर जो है मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ इसमें जो प्रश्न बोले जा रहे हैं मैं आपको बताऊँगा, वह प्रश्न आप कर लेते हैं तो आपको इस पेपर की तैयारी इससे ज़्यादा नहीं करना है। इसी प्रश्न का जो है उत्तर आपको एग्ज़ाम में देना है, इसी प्रश्न से जो है आपका एग्ज़ाम में प्रश्न मैच करेंगे, मैं पूरे दावा के साथ कहता हूँ। क्योंकि इसके पहले मैंने भी जो है गेस्ट करवाया था जिसमें से जो है 80% जो है क्वेश्चन लड़े थे, और इस बार भी जो है आपको 80% अबव लड़ने का जो है चांस है। तो आप लोग जरूर जो है ये सभी प्रश्न को जो है करेंगे। साथ ही साथ मेरे पास समय की थोड़ी कमी है जिसकी वजह से मैं नहीं बना पाता हूँ इसका आंसर। ऐसे मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं इसका उत्तर भी आपको दूँ। तब तक जो है आप प्रश्न को देखें, सभी प्रश्न का उत्तर खुद ढूंढने का प्रयास करें और इससे ज़्यादा जो है नहीं पढ़े। ये पढ़ ले आपको मैं बता दूँ 3 वर्षों का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैच है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो है इसमें अटैच है और इससे बाहर जो है एग्जाम में नहीं आएंगे। तो हम चलते हैं अपने प्रश्न के ऊपर, मैं पूरा प्रयास करूँगा प्रश्न समझाते हुए आगे चलूंगा। तो जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न देख रहे हैं कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं आवश्यकता क्या है, संक्षिप्त में वर्णन करें। जो हमारा समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही है कि सभी बच्चों को जो है शामिल करके एक समान शिक्षा दी जाए। मतलब कहने का अर्थ है किसी भी प्रकार का जो बच्चा है, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो अंधा हो, चाहे वो सुनने में उसे दिक्कत हो, मतलब कि सामान्य बच्चा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे तथा बिना किसी भेदभाव के किसी भी जाति धर्म या संप्रदाय के बच्चे को जो है समान शिक्षा में देना, मतलब एक साथ एक कक्षा कक्ष में बैठा कर शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो इस तरह के आप लिख सकते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों है? ताकि हमारे समाज में भेदभाव खत्म हो, सभी को जो है शिक्षा का अधिकार मिले, सभी को शिक्षा मिले, साथ ही साथ जो बच्चों में मतलब भेदभाव होता है वो खत्म हो, साथ ही साथ सभी बच्चों को जो है एक दूसरे के संस्कृति सभ्यता के बारे में जाने भेदभाव खत्म करने के लिए, या जो दिव्यांग बच्चे हैं उसको समान रूप से समान बच्चों के साथ मिलाकर पढ़ाना, उसको एक लेवल पर लाना, यही सब तो इसकी आवश्यकता है। ये आप लिख लेंगे। अगला प्रश्न आपका है समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी बच्चों को जो है शिक्षा से जोड़ना, साथ ही साथ किसी भी प्रकार का बिना भेदभाव किए सभी बच्चों को जो है एक समान एक कक्षा कक्ष में शिक्षा देने का जो है इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि बच्चे जो सामान्य बच्चे हैं चाहे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं वो आपस में कभी जो है उनके मन में हीन भावना या मतलब किसी के प्रति जो है द्वेष भावना उत्पन्न ना हो। ये सभी चीज़ें बातें जो है बहुत सारी इसमें लिख सकते हैं पॉइंट वाइज। 3 नंबर प्रश्न आपका है कि समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रकृति एवं प्रक्रिया पर प्रकाश डाले। देखिए अब कहने का अर्थ है कि समावेशी शिक्षा पर के लिए जो है आकलन की जो प्रकृति है, जो प्रक्रिया है, उस पर प्रकाश कैसे डालेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि आपके कक्षा कक्ष में जो होता है कि सामान्य बच्चे भी होंगे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होंगे। देखिए सबसे पहले आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझने के मतलब फेर है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे उसे कहते हैं जो कि दिव्यांग हो, जो किसी तरह मतलब थोड़ा फिजिकल डिसेबल हो, उसी तरह जिसे सोचने में, समझने में, देखने में, या बोलने में, या सुनने में, ये सभी तरह के जो बच्चे हैं या थोड़े लंगड़े हैं या फिजिकल डिसऑर्डर है, तो उस तरह बच्चे को जो हम लोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। तो आकलन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत सारी प्रक्रिया पर प्रकाश डाल सकते हैं। जब पढ़ाएंगे उसके दौरान क्वेश्चन पूछकर, किसी को नहीं दिख रहा है उसको देखकर, कोई बच्चा इधर उधर कर रहा है उसको देखकर, इस तरह से जो है हम प्रकाश डाल सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दिव्यांग का बिहार की शिक्षाई व्यवस्था में क्या चुनौतियाँ है? देखिए अब जो है समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो बिहार की शिक्षाई व्यवस्था में क्या क्या चुनौतियाँ है? तो सबसे पहले जो है उसे सीढ़ी चढ़ने में चुनौतियाँ है, विद्यालय आने में चुनौतियाँ है, मतलब अगर दिव्यांग है किसी कारणवश तो क्या है, बहुत सारी चुनौतियाँ है कक्षा कक्ष में। वो एक जगह से दूसरे जगह जो है नहीं जा सकता है, वो खेल नहीं सकता है, उसे ले जाने आ जाने के लिए जो है उसके लिए कोई व्यक्ति चाहिए, उसके देखभाल के लिए जो है विद्यालय में भी लोग होने चाहिए। तो इस तरह की काफ़ी चुनौतियाँ जो है देखने को मिलती है। सबसे बड़ी चुनौतियाँ होती है कि नीचे ऊपर करने में, मतलब कि सीढ़ी से ऊपर जाना, नीचे आना, या प्ले ग्राउंड में जाना, या घर से विद्यालय आना, या विद्यालय से घर जाना, सबसे बड़ा मुद्दा जो है यही है। अगला प्रश्न आपका है
भारतीय समाज में समावेशन और अपवर्जन के विभिन्न स्वरूपों का मैं आपको बता दूं कि समावेशन मतलब सभी को शामिल करके, अपवर्जन मतलब किसी खास मतलब धर्म को ध्यान में रखते हुए। तो ये जो है प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे देख लेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के संदर्भ में पाठ्यक्रम को अनुकूल बनाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए हैं। तो देखिए, विशेष आवश्यकता को बच्चों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को जो है अनुकूल मतलब कि बच्चे के अनुकूल बनाने के लिए बहुत सारी बातों को जो है ध्यान में रखा गया है। किस तरह से वो सोच सकते हैं, किस तरह से चल सकते हैं, मतलब कि देखिए अगर कोई अंधा वाले व्यक्ति हैं तो उसके लिए जो है ब्रेल लिपि का प्रयोग किया गया है, कोई सुनने के लिए है तो उसको विजुअल डिस्प्ले के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ताकि इस तरह को जो गतिविधि है पाठ्यचर्या में जोड़ा जा रहा है, ताकि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हें भी जो है एजुकेशन में दिया जाए मौका, सामान्य मौका, साथ ही साथ जो है उसे आगे बढ़ने का भी मौका दिया जाए और किसी प्रकार की उनको प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए जो है सरकार के द्वारा बहुत सारी पाठ्यक्रम में और पाठ्यचर्या में जो है बदलाव हुआ है, जो कि विश्वविद्यालय और जो कि मतलब प्राथमिक विद्यालय में लागू होता है। नेक्स्ट आपका है, क्या आपने कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान के लिए कौन कौन से तरीके को अपनाए हैं। तो देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की पहचान के लिए आप निम्न तरीकों को जो है अपना सकते हैं। जैसे कोई बच्चा चलने में है तो वो तो इसी तरह दिख जाएगा, कोई बच्चा अंधा है तो वो भी दिख जाएगा, उसको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी ये देख सकते हैं। कोई बच्चा को अगर पढ़ा रहे हैं तो कक्षा कक्ष में वो ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब कि उसका मेंटल डिसऑर्डर है या फिजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। कोई बच्चा जो है सो रहा है, वो आपकी बातों को सुन रहा है लेकिन समझ नहीं रहा है, तो ये भी सब दिक्कत हो सकती है। कोई बच्चा जो है पीछे बैठा उसको दिखाई नहीं दे रहा है, उसका ये भी डिसेबल हो सकता है। इस तरह की गतिविधियों को जो है आप आकलन करके देख जान सकते हैं कि कौन से बच्चा जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, कौन से बच्चे सामान्य बच्चे हैं, इस तरह की गतिविधि करके लिख सकते हैं। आपको मैं बता दूं, आंसर देने समय जो है आपको सारी पहलुओं को डिस्कस करना है। सबसे पहले जो है आपको समावेशी शिक्षा के बारे में लिख दिए, फिर उसमें जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के बारे में लिखे, तब जाकर जो है उसकी पहचान के तरीके, उसके बाद जो है निवारण भी लिख सकते हैं, मतलब कि किस तरह से आपने पहचाना, किस तरह से समस्या दूर करने का प्रयास किया, तब निष्कर्ष भी लिखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, कक्षा में विभिन्न क्षमता वाले बच्चों के सीखने को लेकर शिक्षक को विशेष योजना बनाने की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, कक्षा में जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सिखाने के लिए जो है शिक्षक को अपनी योजना बनाने की जरूरी है, ताकि बच्चों के अनुरूप जो है शिक्षक पढ़ा सके, ताकि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हें भी जो है समझ में आ सके। इसलिए जो है उनको लेसन प्लान, जिसको हम लोग बोलते हैं सीखने सिखाने की जो मतलब विधि होती है, या सीखने सिखाने की जो हम लोग दस्तावेज बनाते हैं जिसको हम लोग लर्निंग प्लान बोलते हैं, वो जरूरी है, लेसन प्लान भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को विविधताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, इस कथन का विश्लेषण करें। देखिए, एक शिक्षक को जो है विविधताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि विद्यालय में जो है एक तरह के बच्चे नहीं आते, बल्कि वहाँ पर विभिन्न समुदाय, संप्रदाय, धर्म, जाति के बच्चे आते हैं, इसलिए जो है वहाँ विभिन्नता को जो है देखते हुए उन्हें संवेदनशील होना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका, समाज को समतामूलक बनाना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्यों है, इसका समझ ले अर्थ। देखिए, समाज को समतामूलक मतलब कि सबको समाज में बराबरी की स्थिति बनाने जो है शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्यों है, क्योंकि शिक्षा जब समाज में आ जाएगी तो सभी व्यक्ति जो है विकसित करेंगे, साथ ही साथ जो है समाज में को जो है समतामूलक का जो है स्थिति पैदा हो जाएगी, जो कि सभी के लिए समान मतलब बराबर की स्थिति वहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, जेंडर से तात्पर्य क्या है, जेंडर विभेद से आप क्या समझते हैं। तो जेंडर से तात्पर्य क्या है आपको पता है, और जेंडर विभेद से आप समझते हैं कि क्या क्या विभेद होती है विद्यालय में या आपके समाज में, ये आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है आपका, आधुनिक समाज में जेंडर विभेद का स्वरूप क्या है, अभी वर्तमान समय में आप क्या देखते हैं जेंडर विभेद, कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बच्चियों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, पहले होते थे लेकिन अभी चेंजेज आए हैं, आप दोनों को जो है समान रूप से पढ़ाए जाते हैं, तो अभी भी जो है बहुत सारी चीज़ों की जगह जो है वहाँ पर उनको विभेद किया जाता है, जैसे कि बाहर भेजने में लोग अटकराते हैं या अकेले भेजने में डरते हैं, तो ये सभी जो है वहाँ पर देखने को मतलब मिलता है इस तरह की, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं अभी के समय को जोड़कर। नेक्स्ट आपका है, जेंडर विभेदों की समाप्ति के उपायों की संक्षिप्त में वर्णन करें, जेंडर विभेदों की समाप्ति के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो बात है वो है शिक्षा, जब शिक्षा आ जाएगी तो लोगों की सोच बदलेगी, और जब सोच बदलेगी तो जेंडर विभेद की जो आशाएँ हैं, जो आशंकाएँ हैं, वह दूर हो जाएगी, सभी को जो है समान मतलब इक्वालिटी का जो है दर्जा मिल जाएगा, सभी को समान रूप से देखा जाएगा और समान रूप से जो है पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, कुछ भी करने के लिए जो है अवसर मिलेगा, और साथ ही साथ आगे बढ़ने के लिए भी अवसर मिलेगा। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं, तो 14 नंबर प्रश्न आपका है कि वर्तमान समाज में स्त्री पुरुष की असमानता, समानता का क्या महत्व है, समानता का महत्व या असमानता यहाँ प्रश्न में पूछ सकता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, समानता मतलब सबकी बराबरी स्थिति और असमानता मतलब कि भेदभाव, तो इस तरह के बारे में आप लिख सकते हैं, आप आंसर ढूंढेंगे आपको मिल जाएगी। वर्तमान समाज में जेंडर संवेदनशीलता और समानता में शिक्षा की भूमिका का वर्णन करें,
ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिक्षा के माध्यम से ही जो है हम लोग जेंडर संवेदनशीलता को खत्म कर सकते हैं और समानता को भी खत्म कर सकते हैं, समानता ला सकते हैं और जो भी मन में भेदभाव भ्रम उत्पन्न है वो सभी को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, क्या एक शिक्षक को अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशील होना आवश्यक है? ऊपर ही प्रश्न था, होना जरूरी है ताकि बच्चे के जो है संवेदनशील होंगे तभी बच्चे अपनी परेशानी बता सकेंगे, बच्चे उन पर टीचर जो है उन परेशानी को सॉल्व कर पाएंगे। एक मित्र व्यवहार होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। नेक्स्ट है आपको, बच्चों के समाजीकरण में जेंडर की भूमिका में समुदाय एवं परिवार का क्या योगदान है? तो देखिए, बच्चों के समाजीकरण में जेंडर की भूमिका में समुदाय एवं परिवार की जो है महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो सर्वप्रथम वो अपने से घर में रहता है, वहीं का जो है वो समाजीकरण करता है, अपने परिवार के रीति रिवाज रहन सहन बोल चाल आदि को सीखता है। तो अगर वहाँ पर भी उनके विद्यालय सॉरी उनके घर में या उनके समाज में या उनके समुदाय में अगर जेंडर की जो भूमिका होती है वहाँ दबाया जा रहा है तो वो गलत सोचेंगे, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है समुदाय एवं परिवार के बच्चों के समाजीकरण में जेंडर की भूमिका में। नेक्स्ट है, बच्चों के समाजीकरण में जेंडर की भूमिका में बचपन और परिवार का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको मालूम है प्रभाव क्या पड़ता है, जब बच्चे जो है गलत चीज़ देखते हैं तो गलत सीखते हैं, अगर सही चीज़ देखेंगे तो सही सीखेंगे। जैसा उनका घर होगा वैसा बच्चा होता है, जैसा उनका परिवार होगा उस तरह के उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है आपका, पितृ सत्ता परिवार की विशेषता क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज इसे देख लेंगे आप। नेक्स्ट है, बालिका शिक्षा को बेहतर बनाने हेतु बिहार सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई है? तो बालिका शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जो है बिहार सरकार तथा केंद्र सरकार ने निम्न जो है योजनाएं चलाई है, ताकि इसी बहाने जो है गार्जियन है बच्चिया को विद्यालय भेजे, जैसे कि पोशाक राशि हो गए या आपके टेंथ में पास करते उनके लिए पैसे मिलते हैं, साइकिल के लिए मिलते हैं, पुस्तक के लिए मिलते हैं, वस्त्र के लिए मिलते हैं, बहुत सारी योजनाएँ जो है चलाई है बालिका शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए। आप समझ रहे हैं, भत्ता हो गए, बहुत सारी चीज़ें जो है आप देखते होंगे सरकारी विद्यालय में, वो सारी बातें आप लिख देंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, बालिका शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए समुदाय व परिवार की भूमिका क्या है? तो बालिका शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए जो है परिवार एवं समुदाय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवार एवं समुदाय ही जो है बालिका शिक्षा को दबा देती है। इसलिए जो है समुदाय एवं परिवार की मतलब मुख्य विशेषता यह होती है या बनती भी है कि वह जो है बच्चियों को जो है भेदभाव न करे, उन्हें भी जो है आगे बढ़ने का मौका दे समान रूप से, और उनके जो है शिक्षा से वंचित न रखें, उनको आगे बढ़ने के लिए जो है प्रोत्साहन करें। ये सभी बातें इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है आ गया 22 नंबर, जो कि किन्हीं दो पर टिप्पणी करें, इसमें मैं महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सभी एक बार आप पढ़ लेंगे आपके एग्जाम में इसी से आएंगे। जैसे देखिए, विद्यालय शिक्षक संवाद, विद्यार्थी शिक्षक संवाद, फिर आपका है हाशिए का समाज, फिर आपका है समावेशन, फिर है आपका पितृसत्तात्मक परिवार, फिर आपका जो है शिक्षा में जेंडर, फिर आपका है समावेशी शिक्षा, विद्यालय में जेंडर विभेद, फिर आपका है समावेशी और शिक्षार्थी के लिए मैत्रीपूर्ण कक्षा, फिर आगे बढ़ जाते हैं तो आगे आपका और कुछ है देख लेते हैं। ये आपका हो गया कक्षाओं में विविधता और असमानता, फिर आपका है जेंडर संवेदनशीलता और असमानता में शिक्षा की भूमिका, फिर आपका है महिला सशक्तिकरण या नारीवादी भी हो सकता है, यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण देख लेंगे, प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछा हुआ है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, समावेशन और अपवर्जन और जेंडर विभेद, ये सभी जो बिंदु है आप जरूर देख लेंगे। तो मैंने इसमें जो है आपको पेपर F6 का गेस पेपर करवा दिया है, समावेशी शिक्षा एवं परिप्रेक्ष्य के बारे में इसमें पढ़ना है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इतना प्रश्न को अगर आप कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इसी से प्रश्न आएंगे, पूरी दावा के साथ कहता हूँ, इससे बाहर नहीं आएंगे। आप लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इसको सॉल्व कर ले, प्रतिदिन एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। टोटल 22 प्रश्न है, अभी जो है आपके 22 दिन बचे हुए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा गेस्ट पेपर। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को शेयर करेंगे, साथ ही साथ जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।